Hey guys, my name is Omkar Arte and welcome back to my channel, The Indian Moto Ventures. So, last week मैंने BMW GS310 and 310R का जो overview डाला था, वो आप लोगों ने, I hope आप लोगों ने देखा रहेगा. अगर आप लोगों ने देखा नहीं है, तो उसका link यहाँ पे मैं दे रहा हूँ. आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए. तो आज मैं BMW G310 GS का टेस्ट राइड करने जा रहा हूँ, बिकॉज़ मैं एडवेंचर बाइक लेने की सोच रहा था. सो टुडे दे सेड दैट बाइक इज़ अवेलेबल एट द शोरूम. सो मैं जा रहा हूँ टेस्ट राइड करने के लिए. सो देखते रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. सो लेट्स गो गाइज. सो हियर वी आर ऑन अ बाइक एंड मैं आज हिमालयन लेके जा रहा हूँ टू द शोरूम ऑफ BMW. एंड इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि आई वॉन्ट टू चेक द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड द न्यू GS. क्योंकि मैं ऑलरेडी हिमालयन यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे जितने भी लंबे राइड्स और जो भी मेरा ऑफ रोड होता है वो मैं हिमालयन पे करता हूँ. तो वही मुझे देखना है कि अगर वो बाइक मुझे इससे अच्छी लगे परफॉर्मेंस में, उसका पिकअप एंड ऑल, अगर वो भी सारा कंपेयर करना है, राइडिंग पोस्चर कंपेयर करना है, तो ये बाइक मैं अभी चला के जा रहा हूँ और उसके बाद मैं सडनली उस बाइक पे राइड करूँगा, तो मुझे तुरंत डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा. तो इसलिए मैं हिमालयन लेके जा रहा हूँ टू गो टू BMW शोरूम. सो उससे क्या है, मुझे थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा कि वो बाइक कैसी है, और एज़ कम्पेयर टू हिमालयन उस बाइक में इन्वेस्ट करना राइट है या नहीं. सो हियर वी आर एट इलांटे मॉल, और जो शोरूम है BMW का वो जस्ट अपोजिट है इलांटे मॉल के. अभी ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, कहाँ पे गेट, हाँ. सो ये है गेट BMW का. सो ये जो शोरूम है वहाँ पे तीनों BMW के जो भी है, मतलब BMW के कार्स, मिनी एंड BMW मोटरार्ट, तीनों अवेलेबल है. कुछ लोग दिख रहे हैं टेस्ट राइड करते हुए. सो हियर वी आर रिच. क्या हो गया भाई? अच्छा, सो आगे पार्किंग है. दिस इज फॉर कार्स आई गेस. देखते हैं कहाँ पे पार्किंग. अच्छा, इधर है जगह, दिख गई. सो आई कैन सी वहाँ पे ट्राम की टाइगर्स बहुत सारी खड़ी है. शायद ट्राम का वर्कशॉप है वो भी है. और ये जो लेफ्ट में देख रहे हो आप, वो BMW का वर्कशॉप का काम चल रहा है, और वो जो सामने है वो ट्राम का वर्कशॉप है. तो अगर किसी की ट्राम की बाइक है और किसी को सर्विस करानी है, तो इलांटे के अपोजिट आके करा सकता है. सो लेट्स गो. टाइगर बहुत सारी, बहुत अच्छी लग रही है. और ये है वर्कशॉप जिसका अभी काम चल रहा है. शायद BMW की बाइक्स भी यहीं पे सर्विस होगी. लेट्स गो इनसाइड द शोरूम. सो अभी है हम गेट पे और देख रहे हैं मिनी कूपर्स यहाँ पे. हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पे. नीचे जो भी है सारा कार का शोरूम है, और जो BMW मोटरार्ट का शोरूम है वो है फर्स्ट फ्लोर पे. तो इसका इंटीरियर जो है बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा. ये देखो, मेक लाइफ अ राइड. ये सामने खड़ी है बड़ी वाली GS, और ये हमारी ट्विन्स BMW GS एंड BMW 310R. सो मिलते हैं, देखते हैं. अभी मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था. सो इज अ साइल, ये हमें लेके जाएंगे टेस्ट राइड पे. सो फाइनली बीस्ट इज ऑन रोड. अब देखते हैं कि जैसे ये दिखता है वैसे है भी कि नहीं. एंड कंफर्ट वाइज देखे तो कंफर्ट भी होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि लॉन्ग राइड्स भी बहुत होती है मेरी. सो जितना लुक वाइज है, लुक वाइज तो आई लाइक दिस बाइक. मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी ये बाइक, एंड एक तरह से मतलब प्यार हो गया है. और BMW की बाइक है, हर किसी का सपना होता है BMW की गाड़ी लेना. सो लेट्स सी. तो इसका, इस बाइक का मैंने ओवरव्यू वीडियो भी बनाया था. अगर आपने वो ओवरव्यू वीडियो देखा नहीं है, तो मैंने लिंक जो है वो ऊपर देखे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो. साहिल चाबी भूल के आ गया. तो लेने गया वापस.
सो टिल द टाइम देखते हैं बाइक बाइक का अपीयरेंस तो मतलब फट्टे है, मतलब मैं बहुत फैन हूँ बाइक के लुक्स का, एंड ओनली कंसर्न इज कि लेट्स सी कि परफॉर्म कैसा देती है गाड़ी ऑन रोड। ऑब्वियसली मेरा एक्सपेक्टेशंस थोड़ा हाई है इस बाइक से, और एक तरह से मेरा ड्रीम बाइक हो सकता है। सो बाइक को चालू करते हैं। साउंड इज गुड, इतना ज़्यादा बेसी भी नहीं है और ज़्यादा इरिटेटिंग भी नहीं है, नॉर्मल साउंड है। कंफर्ट इज गुड, आई कैन फील दैट, बट नॉट एज गुड एज हिमालयन। मेरे पैर थोड़े से नीचे पहुँचने में दिक्कत आ रही है मुझे, और मतलब मेरी हाइट जो है वो 5.8 एंड 5.9 है मे बी, बट स्टिल मेरे पैर जो है वो पूरी तरह से नहीं आ पा रहे ग्राउंड पे। सो दैट इज़ द मेन इशू जो अभी मैंने एक्सपीरियंस किया राइट नाउ, जैसे मैंने बाइक पे बैठ गया मैं। बट स्टिल सिटिंग पोस्चर इज़ गुड, बट थोड़े से पैर जो है ना वो ऊपर आते हैं, जैसे कि हिमालयन में हम देखें ना तो पैर पूरा कंफर्टेबली नीचे रहते हैं, इसमें थोड़े से पैर जो है हमारे थोड़े से अपराइट हो जाते हैं, तो उसके कारण मुझे लगता है आई डोंट नो थोड़ा लॉन्ग रूट पे दिक्कत आ सकती है। एंड बाइक बहुत ही लाइट है एज कंपेयर टू हिमालयन, ये बाइक जो है बहुत ही लाइट है, और हैंडलिंग मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही स्मूथ लगा। इतना स्मूथ हैंडलिंग मेरे ड्यूक में भी नहीं है, बहुत ही स्मूथ हैंडलिंग है, मतलब आई एम इन लव विद द हैंडलिंग। मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि हम 170 केजी की बाइक चला रहे हैं, एंड 170 इज़ नॉट दैट हेवी, बट स्टिल इट इज़ अ लाइटर बाइक एंड हैंडलिंग इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी लाइट। आप आराम से कट मार के निकाल सकते हो गाड़ी इन अ वेरी ट्रैफिक। बट थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे कि मेरे जो मतलब राइट साइड का ब्रेक है अपना, नीचे का रियर ब्रेक है, उसका लीवर थोड़ा सा नीचे है और थोड़ा सा शॉर्ट है, तो वो आपको मतलब सडनली ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि हिमालयन का ये होता है वो तुरंत मतलब पैर के नीचे ही होता है जस्ट, तो इसका वैसा नहीं है, इसका थोड़ा सा नीचे है, आपको थोड़ा पैर और नीचे दबाना पड़ेगा। सो बट एक बार यूज टू हो जाएंगे तो फिर सही हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो दैट विल बी एनी इशू। लेट्स सी, बाइक हैंडलिंग जो है वो नो डाउट बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही लाइट है। मुझे मतलब पैर लगाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है नीचे, सो लेट्स रेव इट द इंजन। एंड इसका पिकअप जो है, लो एंड टॉर्क जो है ना, वो मुझे कम लगा एट 3000 के अराउंड जो RPM है, उसके अराउंड जो लो RPM है वो मतलब जो लो एंड टॉक है वो इसमें कम लगा एज कम्पेयर टू हिमालयन। हिमालयन का जो लो एंड टॉक है वो डेफिनेटली ज़्यादा है इस बाइक से, तो वो मुझे कम लग रहा है। एंड आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम ड्राइविंग इन सिटी, थोड़ा ट्रैफिक है, सो थोड़ा जजमेंट के लिए दिस विल बी लाइक अर्लियर स्टेटमेंट, बट मुझे वो कम लगा जितनी अभी मैंने बाइक चलाई है। देखते हैं आगे चल के ट्रैफिक को, देखो एकदम स्मूथली मतलब आप इस बाइक को निकाल सकते हो, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आपको हिमालयन अगर ट्रैफिक से निकालनी है तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ता है, क्योंकि उसका हैंडल थोड़ा हेवी है, बाइक इज़ ऑल्सो हेवी। हिमालयन इज़ 200 kg एंड दिस बाइक इज़ लाइक 170 kg विथ फुल टैंक। आई गेस थोड़ा फिगर का मेरा लोचा है, लेकिन वही है, अराउंड 170 kg विथ फुल टैंक। तो आराम से मैं मतलब ट्रैफिक से जो है बाइक निकाल पा रहा हूँ, कोई भी मुझे परेशानी नहीं आ रही है, कोई भी चैलेंज नहीं आ रहा है, सो दैट इज़ लाइक अ गुड थिंग फॉर दिस बाइक।
Let's see the brakes. Brakes are working really nice. The ABS जो है परफेक्टली काम कर रहा है. इसके जो मैटजिलर टायर्स है वो थोड़े से ड्यूल पर्पस टायर्स है, लेकिन वो फिर भी अच्छा ग्रिप दे रहे हैं ऑन रोड टारमैक पे भी. तो ये एक अच्छी बात है. लेट्स रिवीट द इंजन. एंड इसका जो पिकअप है, मतलब बाइक का जो परफॉर्मेंस है, बाइक की जो पावर है, वो हाई आरपीएम में ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे. मतलब अगर मैं 6000 आरपीएम अबो जा रहा हूँ तो बाइक का जो परफॉर्मेंस है, बाइक का जो पिकअप है, बाइक का जो पावर है, वो मुझे फील हो रहा है. बट लो आरपीएम में वो थोड़ा सा किधर मुझे कम महसूस हो रहा है. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम कंपेयरिंग विथ हिमालयन. हिमालयन का जो लो एंड टॉक है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट अपर एंड टॉक है. जैसे कि अबो 5000 6000 आरपीएम के ऊपर वो ज़्यादा भागती नहीं है, बट ये बाइक जो हाई आरपीएम है उस पर अच्छी भाग रही है. आप अच्छे से उसको मतलब कंट्रोल करके अच्छे से कट मार के निकाल सकते हो. तो ये एक अच्छी हाईवे बाइक है ऐसा मुझे लगता है. बट आई कांट कमिट ऑन द ऑफ रोड बाइक बिकॉज देखो ऑफ रोड को तो मैंने बोला था उनको कि मेरे को ऑफ रोड के लिए चाहिए, बट सिंस ओनली वन बाइक इज अवेलेबल एट द शोरूम राइट नाउ एंड अदर बाइक्स आर ऑन अ उनका कुछ शो चल रहा है वगैरह, मतलब अमृतसर गई हुई है. तो दे सेड दैट विल गिव इट टू यू नो नेक्स्ट वीक और समथिंग. सो लेट्स सी कब देते हैं. ये बाइक जो है मतलब चार लोग इसको मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं. इसका जो लुक है चार लोग देख रहे हैं, तो मतलब एक अच्छा अपीयरेंस देती है बाइक जो है आपको ट्रैफिक में, अच्छा अपीयरेंस देती है. सो दिस इज़ अ गुड थिंग. चार लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि भाई कौन सा बाइक है. BMW का लोगो भी लगा हुआ है, तो लोग थोड़े से मतलब कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार BMW की बाइक है, चलो दैट्स अ गुड थिंग. आज थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है एंड इट्स 5 o'clock आई गेस, अराउंड 4 o'clock. देखा नहीं मैंने घड़ी कितना हुआ. अच्छा 4 o'clock. सो ट्रैफिक ज़्यादा है. सी कितना मतलब बहुत ही छोटे छोटे गैप से आप ये बाइक को आराम से निकाल सकते हो. आपको कोई भी चैलेंज नहीं फील होगा. इजीली निकाल सकते हो आप ये बाइक छोटे छोटे स्पेस से. दिस इज़ अ गुड पॉइंट. बहुत ही लाइट है. ओनली थिंग इज मेरे को जो डिसअपॉइंट करती है इस बाइक में वो लो एंड टॉक है. बट आई एम नॉट श्योर. मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ ऑन अ मेन रोड एंड चंडीगढ़ के रोड इज़ लाइक अ हाईवे. एवरी रोड इज़ लाइक अ हाईवे. तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका लो एंड टॉक जो है वो कितना हेल्पफुल रहेगा ऑन अ ऑफ रोड. दैट आई हैव टू टेक द बाइक टू द ऑफ रोड ऑन अ हिल्स मे बी, तब जाके पता चले. बट ऑन रोड आई फील दैट मतलब ऑन अ मेन हाईवे टारमैक आई फील दैट थोड़ा सा लो एंड टॉक जो है एट बिलो 3000 and 4000 आरपीएम जो इसका पिकअप होना चाहिए था वो पिकअप नहीं है. तो इसके कारण थोड़ी सी बाइक जो है वो कम पावर की लगती है. बट स्टिल इट इज 35 bhp. And this is a good cruising machine. अगर आप हाईवे पे भी चला रहे हो तो आप मतलब हेक्टिक नहीं होगा. अगर आप पूरा दिन भी चला लेते हो ये बाइक तो हेक्टिक नहीं होगा. आप आराम से कंफर्टेबली चला सकते हो. ओनली थिंग आई फील इज लाइक माई लेग्स जो है थोड़े से अपराइट है, तो थोड़े से आपको मतलब लेग का जो पोजिशन है एंड जो सिटिंग पोस्चर है तो थोड़ा से आपको पैर में दर्द हो सकता है ऑन अ लॉन्ग रूट. अगर आप डेली मतलब डे का फॉर डे इफ़ यू आर ड्राइविंग फॉर 300 and 500 किलोमीटर्स. देखो पैनियर्स लगे हुए स्कूटर पे. दिस इज़ हाउ दे कैरी द लगेज इन चंडीगढ़. सो आई कैन सी दैट दिस इज़ अ गुड हाईवे बाइक. दिस इज़ अ गुड क्रूजिंग मशीन. This is good for people who like to ride for long distances like 500 kilometers, 600 kilometers. So this is a good machine, I can say that.
बट आई कांट कमेंट और एनी कमेंट आई कांट पास एनी कमेंट ऑन द ऑफ रोड परफॉर्मेंस फॉर दैट मेरे को ये बाइक ऑफ रोड लेके जाना पड़ेगा और मे बी फॉर सम हिल्स और समथिंग देन आई कैन से एनीथिंग अबाउट दिस बाइक बट राइट नाउ दिस इज अ गुड क्रूजिंग मशीन आई कैन से एंड आई फील दैट लो एंड टॉक जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है इस बाइक में सो लेट्स गो हम थोड़ा अंदर वाले रास्ते पे जा रहे हैं ताकि वी कैन इवन टेक दैट फीलिंग कि अगर हम छोटे रास्ते पे भी जा रहे तो कैसे ये कंट्रोल होती है एंड ऑल सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉन्स एंड कॉन्स सो मैं पहले प्रॉन्स बताऊंगा सो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक का कि ये बाइक जो है वो बहुत ही लाइट है और एक लाइट बाइक होने के कारण आप इसको बहुत ही कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली राइड कर सकते हो किसी भी कंडीशन में दूसरा जो है इसका पॉजिटिव पॉइंट वो है हैंडलिंग इसकी जो हैंडलिंग है बहुत ही स्मूथ है मेरे पास KTM ड्यूक 390 है नया वाला वर्जन देन हिमालयन है 2016 मॉडल BS3 मॉडल बट ये बाइक का जो हैंडलिंग है वो वेरी स्मूथ है एज कम्पेयर टू बोथ द बाइक्स दैट आई हैव ऑलरेडी ओन सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव पॉइंट थर्ड पॉइंट इज गुड पावर अबव 6000 RPM विच मेक दिस बाइक गुड क्रूजिंग मशीन अगर आप हाईवे पे क्रूजिंग कर रहे हो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है आपको बाइक पे अगर आप एक ट्रैवलर हो अगर आप एक राइडर हो जो कि डेली 300-400 या फिर 500 किलोमीटर राइड करता है या फिर करना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छी बाइक है उसके लिए फोर्थ इज वेरी रिस्पॉन्सिव ब्रेक्स और इसका जो ABS है बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है एंड इवन पैनिक सिचुएशन में मुझे लगता है कि इसका ब्रेकिंग जो है वो बहुत ही अच्छा है आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता है अगर आप इवन बाइक भगा भी रहे हो एक अच्छे स्पीड पे फॉर एग्जांपल 110 और 120 पे भी अगर ये बाइक आप क्रूजिंग कर रहे हो और अगर आपको पैनिक सिचुएशन में कभी ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो ब्रेकिंग जो है उसकी बहुत ही अच्छी है ABS जो है बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है आपको कहीं पे भी इस बाइक में आप कॉन्फिडेंटली फील करोगे फॉर ब्रेकिंग फिफ्थ इज दिस इज वेरी बैलेंस डिज़ाइन वेरी बैलेंस मतलब जिस तरह से इसका डिज़ाइन बनाया गया है और जिस तरह से मतलब मैंने जिस तरह से चलाया ट्रैफिक में भी ये बहुत अच्छी चल रही है हाईवे पे भी आप बहुत ही कंफर्टेबली क्रूजिंग कर सकते हो ऑफ रोड आई कांट से राइट नाउ बट अगर मैं टेस्ट राइड करता हूँ ऑफ रोड पे देन आई कैन मेक अ स्टेटमेंट ऑन दैट बट हाईवे पे या फिर ट्रैफिक में ये बहुत ही कंफर्टेबल एंड आप इसको कॉन्फिडेंटली चला सकते हो इस बाइक को सिक्स्थ पॉजिटिव थिंग ऐसी है जो कि इसके टायर्स इसमें मैटजिलर्स के टायर लगे हुए हैं जो कि ड्यूअल पर्पस टायर्स है बट ये टामैक पे अच्छा ग्रिप दे रहे ठीक है ये नॉबी टायर्स है नॉट टिपिकल नॉबी टायर्स बट स्टिल दे आर मेड फॉर बोथ रोड एंड ऑफ रोड सिचुएशंस बट ऑन रोड भी जो इसका ग्रिप है वो बहुत ही अच्छा है मतलब इवन आप ब्रेक कर रहे हो सडनली ब्रेक कर रहे हो पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हो तो भी इसका ब्रेक कहीं पे टायर कहीं पे भी स्लिप नहीं होता या फिर कहीं पे भी पीछे का जैसे होता है ना स्किट नहीं होता तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जो कि मुझे लगता है सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स सो इस बाइक के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है तो पॉइंट नंबर 1 हाइट इशू जैसे कि देखो मेरी हाइट जो है वो 5.8 या 5.9 अराउंड है बट फिर भी मेरे जो पैर है पूरी तरह से नीचे जमीन पे नहीं जा पा रहे तो इसके कारण अगर आप इस बाइक को ऑफ रोड लेके जा रहे हो या फिर कोई भी मतलब पैनिक सिचुएशन में आप बाइक को कंट्रोल करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत आ सकती है सेकेंड थिंग वो जो कि नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है इस बाइक 4 लाख के अराउंड ये बाइक जाती है ऑन रोड इन चंडीगढ़ मुझे मतलब मेरा ये मानना है कि अगर ये बाइक 3.5 लाख तक भी ऑन रोड में जाती
तो लोगों को डिसीजन लेने में या फिर लोग ये बाइक लेने में ज़्यादा हिचक जाते नहीं, वो इजीली ये बाइक ले सकते थे। बट स्टिल इट इज़ अ BMW ब्रांड, इट्स अ प्रीमियम ब्रांड, तो उनको स्टैंडर्ड उनको मेंटेन करना पड़ेगा लाइक आईफोन, तो इसलिए प्राइस थोड़ा है वो ज़्यादा है। थर्ड थिंग इज 4000 रुपीज पर सर्विस। जैसे कि मैंने शोरूम में पूछा सेल्स पर्सन को कि भाई इस बाइक का जो भी सर्विस कॉस्ट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सर्विस कॉस्ट क्या रहेगा, तो उन्होंने बताया कि 4000 रुपीज, और उसमें क्या होगा, खाली ऑयल चेंज एंड ऑयल फिल्टर चेंज। सो 4000 रुपीज फॉर ऑयल चेंज एंड ऑयल फिल्टर चेंज इज टू मच। अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर लाइक मी जो कि एक बाइक लेता है और ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज के लिए अगर उसको 4000 रुपये पे करने हैं, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस बाइक। फोर्थ पॉइंट विच आई फील इज लाइक 11 लीटर का इसका टैंक है विथ रिजर्व। तो 11 लीटर का टोटल टैंक अगर आप इस बाइक को लॉन्ग रूट पे यूज़ कर रहे हो और आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे ये बाइक चलानी है, तो 11 लीटर का टैंक ये बहुत ही कम कैपेसिटी का टैंक है इस बाइक में, ऐसा मुझे लगता है। देन फिफ्थ पॉइंट इज लो इन टॉक, जो कि मुझे फील हुआ लो RPM पे ये बाइक में इतना पावर है नहीं जितना कि हिमालयन में है मेरे या फिर KTM में है। तो लो RPM पे ये बाइक में थोड़ा सा पावर जो है कहीं पे मुझे कमी लगी। एंड सिक्स पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि BMW इज क्लेमिंग इज इट इज़ लाइक अ मल्टीपर्पज़ बाइक, क्या कि आप इसको ऑफ रोड भी चलाओ, आप इसको ऑन रोड भी चलाओ, आप इसको एज अ टूरर भी यूज़ करो, आप इसको एज अ ऑफ रोडर भी यूज़ करो। सो आई डोंट थिंक कि उन्होंने इसमें अलॉय व्हील जो दिए है वो ऑफ रोड में काम अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये बाइक में स्पीति लेके जाता हो तो मेरे मन में कहीं ना कहीं तो डर रहेगा कि अरे इस बाइक में अलॉय व्हील्स है कहीं टूट ना जाए। तो जितना कॉन्फिडेंटली मैं स्पोक्स व्हील्स वाली बाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी हिमालयन है वो जितने की कॉन्फिडेंटली मैं वो चला सकता हूँ इन स्पीति या फिर लेह लद्दाख रीजन, उतना कॉन्फिडेंटली ये बाइक मैं वहाँ पे नहीं चला सकता जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें अलॉय व्हील्स है। सो ये सारे रहे प्रॉन्स एंड कॉन्स जो कि मुझे लगते हैं, और ये बाइक चलाने के बाद ऑलमोस्ट अभी तक मैंने 10 या 12 किलोमीटर चलाई रहेगी इन सिटी राइड ओनली, एंड इतना चीज़ें मुझे लगती है कि इसमें प्रॉन्स एंड कॉन्स जो कि है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। एंड आई विल ट्राई कि ये बाइक में ऑफ रोड लेके जाओ, हिल एरिया लेके जाओ। वैसे मैंने बात भी की है BMW ऑफिशियल से एंड दे आर एग्री विथ इट, एंड इफ़ पॉसिबल मैं ट्राई करूँगा कि ये मैं हिमाचल लेके जाऊँ एंड टेक सम यू नो ऑफ रोड राइड ऑन इट, देन आई विल गिव यू मोर डिटेल्स कि ये कैसे परफॉर्म करेगी ऑफ रोड में या फिर हिल्स एरिया में। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लगातार बनाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस के बारे में अपडेट रहे। सो फाइनल क्वेश्चन द कंक्लूजन, क्या ये मैं बाइक ले लूँगा? सो अभी मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता कि ये मैं बाइक लूँगा या नहीं लूँगा, क्योंकि जैसे कि KTM ने अनाउंस कर दिया है कि वो 2019 में या फिर 2019 के एंड तक वो KTM एडवेंचर लॉन्च करेंगे, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ KTM की उनकी बाइक जो होती है ना वो परफॉर्मेंस बाइक होती है। जैसे कि मेरे पास ड्यूक 390 है ना, वो बिलीव मी उसमें इतना पावर है ना, उतना पावर उस सेगमेंट में और जो प्राइस रेंज है उतना किसी में नहीं है, और जो फीचर्स उसके अंदर है ना वो किसी भी गाड़ी में नहीं है, किसी भी गाड़ी में अप टू 2.7 लैक्स की गाड़ी में किसी में भी वो फीचर्स नहीं है। सो आई एम अ ह्यूज फैन कि वो एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट लोगों तक लेके आते हैं, कंज्यूमर तक लेके आते हैं। तो आई एम श्योरली वेटिंग फॉर KTM एडवेंचर टू बी लॉन्च एंड देन आई कैन मेक अ डिसीजन कि मुझे ये बाइक लेनी चाहिए या फिर मुझे KTM एडवेंचर 390 लेनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून। अगेन आई एम टेलिंग इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ऐसी मैं वीडियोज़ लगातार बनाते रहता हूँ। एंड डोंट फर्गेट टू
हिट द बेल आइकन। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।